दिवसीय माँ पीताम्बरा बंगलामुखी देवी महायज्ञ 16 फरवरी से 20 फरवरी तक 16 तारीख को श्री परिवार की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। विगत पिछले 28 वर्षों से शिव परिवार समिति के तत्वावधान में माँ पीताम्बरा बंगलामुखी देवी महायज्ञ और कथाओं का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 29वां वर्ष है जो समिति के लोगों ने इस महायज्ञ को भव्य रूप में बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उसी क्रम में आज 5 दिवसीय माँ पीताम्बरा बंगलामुखी देवी महायज्ञ के मौके पर भूमि पूजन हुआ। श्री परिवार समिति के आयोजकों ने बताया कि विगत 28 वर्षों से माँ पीताम्बरा बंगलामुखी महायज्ञ और कथाओं का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 29वां वर्ष है जो हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है। हम लोग 28 साल के बाद 29वें वर्ष में आए हैं और इस बार भी 5 दिवसीय माँ पीताम्बरा का यज्ञ प्रतिदिन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक महायज्ञ प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक और श्री भक्तमाल कथा सायकाल 3 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन यहां पर मनोरंजन सदन पर होगी। कलश यात्रा किशन कुंज कचेरी रोड डॉक्टर चतुर्वेदी के बराबर में से प्रारंभ होकर और मनोरंजन सदन पर पहुंचेगी। सभी महानगर वासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा यज्ञ में आ करके पूर्ण आहुति दें, क्योंकि यज्ञ से ही हमारी संस्कृति, यज्ञ से ही हमारी प्रकृति और यज्ञ से ही हमारा सर्व वातावरण शुद्ध होता है। कार्यक्रम आयोजित किया है आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है श्री परिवार दिव्य महा समिति के तत्वावधान में। विगत 28 वर्षों से माँ पीताम्बरा बंगलामुखी महायज्ञ और कथाओं का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 29वां वर्ष है जो हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है कि हम लोग 28 साल के बाद 29वें वर्ष में आए हैं और इस बार भी 5 दिवसीय माँ पीताम्बरा बंगलामुखी यज्ञ प्रतिदिन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक, महायज्ञ प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक और श्री भक्तमाल कथा साय 3 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन यहाँ पर मनोरंजन सदन निकट सेंट मैरी स्कूल पर होगी। 16 तारीख को श्री परिवार की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो कि कृष्ण कुंज कचहरी रोड डॉक्टर चतुर्वेदी के बराबर में मात्र शोभा यात्रा प्रारंभ होकर और हमारे मनोरंजन कथा स्थल पर पहुँचेगी। सभी महानगरवासी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ में आकर के पूर्ण आहुति दें, क्योंकि यज्ञ से ही हमारी संस्कृति, यज्ञ से ही हमारी प्रकृति और यज्ञ से ही हमारा सर वातावरण शुद्ध होता है। और ये भी आह्वान है कि जो व्यक्ति प्रत्येक वर्ष ये प्रत्येक दिन अपने घर में 5 आहुति भी दें तो बहुत अच्छा है। उससे 5 आहुतियों से देने से हमारे घर की शुद्धता, नकारात्मक ऊर्जा सब चली जाती है, शुद्ध भावना आती है बच्चों के मन में, बड़ों के मन में। हमारा श्री परिवार का उद्देश्य ही है ये यज्ञ कराने का कि यज्ञ करने आए, चाहे भले ही 5 आहुति दें लेकिन आए जरूर। सभी से निवेदन, श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति स्टार्ट द्वारा ये माँ पीताम्बरी बंगलामुखी माता जी का महायज्ञ 16 फरवरी से शुरू होगा, 20 फरवरी को संपन्न होगा। ये महायज्ञ माँ पीताम्बरी बंगलामुखी माता का एकमात्र ऐसा यहाँ पे महायज्ञ होता है मुरादाबाद नगर में, पिछले 28 साल से होता आ रहा है। एक सिद्धि का साधन है। मैं मुरादाबाद की जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आइए और बहुत सिद्ध पीठ है बंगलामुखी माता का, बहुत सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस जैसे अभी आपके सामने राजीव मल्लू जी ने अपने विचार रखे, हमारे साथ हरि गोपाल शर्मा जी, आदेश गुप्ता जी और यहाँ इस कमेटी के जो भी समिति के बहुत सारे लोग, हमारे माननीय हमारे अतुल सोती एडवोकेट जी, ये सब लोग इस कार्यक्रम में जो माँ पीताम्बरी बंगलामुखी महायज्ञ होता है और एक गुरुजी हमारे जो इसे कराते हैं, गाते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं। यहाँ जो भी मनोकामना आप रखेंगे वो अवश्य पूरी होगी, ऐसा पीछे जितने भी लोगों ने इस महायज्ञ में भाग लिया है उनके ये अनुभवों से मालूम हुआ है। आप आइए, मुरादाबाद के सारे लोगों से आह्वान है, आइए, अपनी समस्याओं का समाधान यही मिलेगा और जल्दी मिलेगा। और इनसे जुड़िए और इस यज्ञ में भाग लेकर लाभ कमाएं,